है लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। नहर में मिला महिला का शव, हत्या की आशंका है। बता दें, पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिरोजाबाद जिले के शुकाबाद कोतवाली क्षेत्र के भोवनीपुर ब्रांच नहर में एक अज्ञात महिला का शव बहता हुआ मिला, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा है। महिला की अभी शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस ने शिनाख्त के प्रयास शुरू कर दिए हैं और जांच की जा रही है। आखिर इस महिला का शव कहां से बहकर पानी में आया? फिरोजाबाद से शेखर यादव की रिपोर्ट। ले योगेश, योगेश इधर आ। यार भाभी एक दो घंटे में कूद जाते हैं। छोटू, यहाँ क्या हुआ है? मैं पहले से नहाने के लिए आया था। डेड बॉडी जा रही थी, मैंने पुलिस को सूचना दी, पुलिस वालों ने मेरे साथ लफड़वाई। अच्छा, कहाँ से क्या था, कोई पता चला? कैसी महिला थी, क्या था? महिला है, मुझे पता नहीं कहाँ से आई है। अच्छा, क्या कोई पहचान नहीं हो सकी है? कोई पहचान नहीं है सर। 35 साल के आसपास। सब मिला है, महिला का क्या मामला है? इसमें एक कॉलर ने जो जनता में उधर दौड़ने गया था सुबह के समय पे, उसके द्वारा एक महिला का शव बूढ़ा नहर में बहते हुए दिखा गया। तो उसने 112 नंबर पे कॉल किया, पुलिस को सूचना दी और उस शव को बाहर निकाल लिया गया है, किंतु अभी तक उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया है, इसलिए शव को मोर्चरी भेज दिया गया है।